बुलंदशहर जिले के गांव सैदपुर में जलभराव को लेकर ग्रामीणों जमकर प्रदर्शन किया और जल निकासी की मांग की। मौके से मिली जानकारी के अनुसार सैदपुर की मड़ैया में जल निकासी के लिए कोई नाली या पोखर नहीं है। घरों से जो पानी निकलता है वह रास्ते पर ही रहता है और अब जैसे ही बरसात का मौसम आया तो ग्रामीणों के घरों में भी पानी भर गया। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार जल भराव रहने के कारण बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी होती है और मच्छर ज़्यादा होने के कारण हर घर में कोई ना कोई डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी का शिकार होता है। ग्रामीणों ने बताया कि हमने कई बार ग्राम प्रधान से नाली बनवाने व जल निकासी का समाधान करने की मांग की मगर ग्राम प्रधान कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता है। हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों का गुस्सा देखकर ग्राम प्रधान अमित कुमार से बात की तो प्रधान ने कहा यदि बस्ती के लोग नाला बनवाने को अपने खेतों में जगह दे दें तो बस्ती का पानी लगभग 300 मीटर दूर पोखर में चला जाएगा मगर कुछ लोग अपने खेत में नाला नहीं बनने देना चाहते, जबरदस्ती दूसरे के खेत में नाला कैसे बनाएं। गांव का प्रधान क्या कर रहा है आपके यहाँ? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।